अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा हेक्टिक डे है, फर्स्ट डे है बच्चों का स्कूल का, और अभी मैंने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप किया है। हम अलाउड नहीं अंदर जाने के लिए, और मुझे गेट वगैरह पता नहीं था, तो दे ठुक देम इन। और होपफुली आज का दिन अच्छा गुजरे। इंशा को हल्का सा स्क्रैची हो रहा है उसका थ्रोट, सो उसकी वजह से वो और थोड़ा खांस रहती है, तो होपफुली उसकी वजह से उसे घर ना भेजें। और आई डोंट गेट अ कॉल फ्रॉम स्कूल दैट शी इज़ कॉफिंग टू टेक एंड टेक हर होम। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा दूध वगैरह लूँगी और उसके बाद घर जाएंगे। और मेरी बेटी ऑलरेडी जो है वो अपनी बहनों को मिस कर रही है, क्योंकि 4-5 महीने के बाद पहली दफ़ा अब घर खाली होगा। सो इट्स गोना बी रियली वियर्ड। होपफुली एवरीथिंग विल गो वेल। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ बच्चों के स्कूल, फॉल सीज़न स्टार्ट हो चुका है। यहाँ सुबह में अच्छी सी खुनकी होती है, बहुत ज़्यादा खुनकी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन अब देख ले मेरी बेटी जो है वो हाफ जैकेट पहनी हुई है, फर वाली, तो थोड़ा सा गर्माहट चाहिए होती है। और ये देख लें आप, पत्ते कितने गिरे हुए हैं। यहाँ पे मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, इसकी वजह ये है कि घर पे आजकल ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं अपनी तरफ कैमरा करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी जना, तो मैं रिकॉर्ड असल में करना चाह रही थी कि मेरा पहला हफ्ता जो है वो बच्चों के स्कूल का कैसे गुजरा, पहला दिन कैसा था, पहला हफ्ता कैसा रहा। तो घर में ना बिल्कुल आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। उसकी वजह ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है जाके तीसरा हफ्ता ही है स्कूल खुलने के बाद, तो रूटीन थोड़ी सी अब मेरी भी बन गई है घर की चीज़ों का। फिर ग्रोसरीज बड़ी अपसेट हुई हुई थी, तो ग्रोसरीज़ कर रही थी मैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब बेहतर है। घर बहुत खाली हो गया था, और मेरी सबसे छोटी बेटी, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो स्कूल नहीं जाती, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी वो, और हर थोड़ी देर के बाद कहती थी चलने आप ही को लेके आए, बच्चों को लेके आए, क्योंकि हस्बैंड जॉब पे ये रही। यस, शी वांटेड टू कम इन द वीडियो। या सो एनीवेज, ये फ़िलहाल चल रहा था, और और फिर अब मैंने अभी वीकली जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी के दूध कितना आना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें पे ख़राब वराब ना हो जाएं, फिर नाश्ते का सामान, लंच के लिए हिसाब किताब, तो सारी चीज़ें चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। पहला हफ्ता फर्स्ट 2 वीक्स रच के लिए थोड़े से जो है वो मेरी बीच वाली जो बेटी है उसके लिए थोड़े मुश्किल थे। वो रो रही होती थी सुबह में, मुझे आपके पास रहना है, रात में उठ जाती थी सोते में से, लेकिन अब माशाल्लाह से वो खुश है। उसका सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि वो इसलिए खुश नहीं होती स्कूल आने से, क्योंकि उसे पढ़ना ज़्यादा पड़ता है और स्कूल में खेलने को कम मिलता है, तो वो रिसेस के लिए सिर्फ स्कूल को एंजॉय करती है, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं। लेकिन टीचर जो है उसके बहुत अच्छे हैं, मेरे फेवरेट टीचर हैं। कॉल आ गई वीडियो के बीच में, स्पैम कॉल थी डक क्लीनिंग के लिए। एनीवेज, सो इंशा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, ग्रेड 4 में गई है माशाल्लाह से, और उसको बहुत मज़ा आ रहा है। और वो बहुत नाराज़ हो रही थी उसकी बीच में जो है ना, उसको खांसी वगैरह हो गई थी, तो एहतियात के लिए उन्होंने बिल्कुल मना किया है कि बच्चों को थोड़ा सा भी कुछ हो तो आपने स्कूल लेके नहीं आना। तो फिर उसे घर में रखा था मैंने, और बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेस हो गई थी कि मुझे स्कूल से आप मुझे स्कूल जानबूझ के नहीं भेज रही और ये वो। फिर जल्दी उनको थोड़ी जल्दी जल्दी दवाएं पिलाई, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती फौरी तौर पर, वो कहते हैं कि अभी आपने 2 हफ्ते इंतज़ार करना है या इस टाइप का। तो वायरल चल रहा था, तो इसकी वजह से उसका गला दुख रहा था और खांसी हो रही थी, इसलिए तो फिर उसे घर रखना पड़ा। लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हुई है तो फिर उसको फ़ौरन मैं स्कूल लेके आई हूँ, ताकि वो परेशान ना हो। अभी स्कूल के बाहर मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, ज़रूरी ग्रोसरी जो थी घर की। और अभी यहाँ पे 2-3 पेरेंट्स आए हुए हैं, गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन अभी जो है वो टाइम है थोड़ा सा, 10 मिनट हैं, 10 मिनट के बाद जो है वो बच्चे निकलने शुरू होते हैं, क्योंकि वही फिर सारे मास्क, और एक एक बच्चे को आजकल बच्चे मास्क पहने हुए, तो टीचर्स को भी परेशानी हो रही है कि किसका कौन सा बच्चा है, बड़ी मुश्किल होती है। मेरे लिए आसानी है कि मेरे साथ इज्मा होती है,
तो अब टीचर इज़्मा को पहचान गए और इज़्मा को मास्क जो है वो नहीं मैं पहनाती हूँ, बाहर वैसे भी खुली फिज़ा में वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर क्राउडेड जगह पे जाना हो तो मैं इज़्मा को अपने साथ लेके बिल्कुल भी नहीं जाती। तो बहरहाल इसीलिए मुझे पहचान लेते हैं वो, तो एरज अगर भाग के आ जाए तो मुझे जाने देते। मैं ग्रोसरीज पे गई थी तो मैं अपने हिसाब किताब से करती हूँ, और मैं ये सोच रही थी कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोग को बताऊँ कि ग्रोसरीज़ कैसे करते हैं, वीकली अगर करना चाहें, मंथली करना चाहें, तो इंशाल्लाह करूँगी। लेकिन चलें, अब पेरेंट्स आना शुरू हो गए तो अच्छा नहीं लगता इस तरह से सबके सामने इस तरह से बात करना, और इंशाल्लाह फिर बात होगी। आप लोग बताइएगा, सजेशंस दें कि किस टाइप की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं। तो पहला हफ्ता बहुत मज़ेदार गुजरा, दूसरा हफ्ता चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हुए, घर की डीप क्लीनिंग अभी भी चल रही है, दो कमरे क्लीन हो चुके हैं, अभी किचन रह गया है, वॉल और लिविंग एरिया की क्लीनिंग चल रही है। अभी मैंने किचन को नहीं छुआ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम करना है, मुझे ऑर्गेनाइज़र्स लेके आने हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आनी है, लेकिन हल्के हल्के काम चल रहा है। स्टोर रूम मुझे फ़िक्स करना है, बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ हैं जिनको अब डोनेशन वगैरह, वेट करो। तो अब जो है बस यही सब कुछ कर रहे हैं, क्लीनिंग वगैरह चल रही है, और बस इंशाल्लाह फिर मैं वीडियोस में अपडेट करूँगी कि मैं किस तरह से करती हूँ। बहुत बड़ा घर नहीं है मेरा, छोटा अपार्टमेंट है दो कमरों का, सो होपफुली आपको आपके साथ आइडियाज़ वगैरह डिस्कस करेंगे छोटी जगह को किस तरह करना है। सिलाई काफ़ी आई हुई है मेरे पास, सिलाई इस हफ्ते मैंने हर हाल में सारी फिनिश करनी है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि किस टाइप की आप वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि अपडेट्स करें अपने चैनल को आपकी सजेशंस के साथ। खुदा हाफिज़।